हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम चटपटी, मसालेदार साबुत प्याज की सब्जी की रेसिपी। ये खाने में जितनी टेस्टी लगती है, इसे बनाना उतना ही आसान है। आप एक बार मेरे तरीके से साबुत प्याज की सब्जी बनाकर देखिए, इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम प्याज लिए हैं। मैंने यहाँ पर छोटे वाले प्याज लिए हैं, आप यहाँ पर मीडियम साइज़ के जो प्याज आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज का मैंने छिलका निकाल कर लिया है। तो अब प्याज के अंदर तक सारे मसालों का अच्छे से टेस्ट आए, इसके लिए हम प्याज पर इस तरह से दो कट लगाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि प्याज नीचे से इस तरह से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, इस तरह से एक कट लगा दें और फिर इस तरह से दूसरा कट लगा दें। इसे आधे से ज़्यादा काटना है, आप देख सकते हैं कि मतलब 70% ही कट लगाना है, सिंपल। तो प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया है, तो सारे प्याज पर मैंने अच्छे से कट लगा लिया है। तो अब हम लेंगे ब्लेंडिंग जार, और जार में सबसे पहले हम 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल देंगे, साथ में 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और साथ ही 10 से 12 लहसुन की कलियां डाल देंगे, और जार का ढक्कन बंद करके इसे ब्लेंड कर लेंगे। इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है उतनी ले सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। तो अब गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, साथ में 1 चम्मच राई डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, और साथ में थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुछ सेकेंड के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, ये कम तीखी होती है। मसाले डालते वक्त गैस का फ्लेम लो रखें ताकि मसाले जले नहीं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, मसालों को अच्छे से मिला देंगे और मसालों को लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे जो हमने बना कर रखा है, साथ में 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। और अब ढक्कन लगाकर हम मीडियम फ्लेम पर इसे 4 से 5 मिनट या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों से तेल अलग ना हो जाए। तो मसालों को मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लिया है, और आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल अलग हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें हम 1/2 कप दही डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो रखें। दही को मसालों के साथ अच्छे से मिला देंगे। तो दही को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए। इस टाइम आप इसे चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, नहीं तो दही फट सकता है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल देंगे, और पानी के साथ ही हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हमने पहले भी यूज़ किया, तो नमक हिसाब से ही डालें। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे, और अब इसे हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, और साथ ही 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आए। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट प्याज को ग्रेवी के साथ पकाएंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज अच्छे से पक ना जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, और 20-20 में आप इसे ढक्कन हटाकर इस तरह से चलाते रहें ताकि मसाले कढ़ाई के तले में लग के जले नहीं। तो सब्जी को मैंने 8 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है,
और प्याज भी हमारे अच्छे से पककर सॉफ्ट हो गए, आप देख सकते हैं। तो सब्जी का कलर भी कितना अच्छा है आप देख सकते हैं, और सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब गैस बंद कर देंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है। तो सब्जी को हम सर्विंग प्लेट या सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम चटपटी मसालेदार प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है। आप इसे पूरी पराठे रोटी के साथ सर्व करें, ये सबके साथ बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद में पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।